जी सर क्या कहेंगे आप, नवाबा थाने आए? कोई नहीं, हमने एप्लीकेशन दी है उनके खिलाफ, एस एच ओ साहब बोल रहे हैं उनके खिलाफ हम सख्त से कार्रवाई करेंगे, सुबह बुलाया 11 बजे। तो वो क्या बात की गई है, क्या इस मसले पे आगे क्या होगा? बोल रहे हैं वो बंदा सस्पेंड होगा, कल आइए 11 बजे एसएसपी ऑफिस जाना है और देखते हैं क्या करते हैं। तो आप नवाबाद ही क्यों आए? एरिया यहीं पड़ता है ना। क्या कह रहे हैं एस एच ओ साहब, क्या कह रहे हैं? दरअसल बात यह है कि ये भाई साहब परसों रात को 1:30 बजे करीब घर से निकलते हैं, लिफ्ट मांग के रेहड़ी चुंगी पहुंचते हैं, उसके बाद ये पैदल आते हैं शकुंतला पंप तक। आगे से कोई लेडी इनसे लिफ्ट बोलती है, लिफ्ट ले लो, आप कहाँ जा रहे हो? बोला बस स्टैंड जा रहा हूँ। कहती मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। इनका बैठना गुनाह बन गया। उसने अपने किसी ठिकाने पर वो स्कूटी लगा दी, अपने जो उसके जैद चंद जो जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात हैं उन जैद चंद को बुला लिया, इनसे काफ़ी मारपीट गई और उन कर्मचारियों ने अपने ही अकाउंट में इनसे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कराए बदमाशी कर गुंडागर्दी करके। हमारी ये अपील है जो ये जैद चंद ऐसे पुलिस में हैं, इन जैद चंदों को बख्शा जाए, इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए। सर उनकी पहचान हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है, वीडियो वायरल हो गई है सर, कल की वीडियो वायरल हो चुकी है। और हमें ये लगता है कि जो हमारे एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह साहब हैं वो बहुत ही हाइस्ट अफसर हैं, वो कभी भी ऐसे बंदों को बख्शते नहीं है। बाकी रिजल्ट आपको कल सुबह मिल जाएगा 11 बजे के साथ। आम लोगों से भी अपील कर दो ना, ऐसा है हम लोग मूवमेंट कल की तरफ से डेपुटेशन लेकर आजमाबाद थाने में आए थे एस एच ओ साहब से, हमने रिटर्न में कंप्लेंट दी है और इसमें कंप्लेनेंट को का उन्होंने अश्योरेंस दिया है कि कल सुबह तक ये बंदे सस्पेंड होंगे। ये जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने ऐसी गंदी और ओछी हरकत की है, इनको बेमतलब मारा है और इनसे पैसे स्नैच किए गए हैं और इनका ऐसा नेक्सस उस लेडी के साथ है कि 10 मिनट भी नहीं लिए उन्होंने मौके पर पहुंचने में जहां पर ये स्नैचिंग की गई है। ये एरिया इस जुडिक्शन जो है नवाबाद पुलिस स्टेशन की है, इसीलिए जबकि वो हम यहां पर आए हैं, जबकि वो पुलिस वाले जो जिन्होंने ऐसी ओछी हरकत की है वो अभी भी सस्पेंड नहीं किए गए और बकायदा वो ये पुलिस पोस्ट हरी मार्केट में तैनात है। तो हमारा यही कहना है कि ऐसे गंदे एलिमेंट्स को जो कि कानून की वर्दी पहनकर लोगों से पैसे छीनते हैं और लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और धमकी देते हैं कि वी विल इम्प्लिकेट यू इन फॉल्स केस ऑफ सो कॉल्ड हीनियस क्राइम्स, तो इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। हम लोगों ने कल डिसाइड किया है कि हम लोग कल एसएसपी साहब के पास भी मिलेंगे और ऐसे गंदे एलिमेंट जो पुलिस फोर्स में है इनका करेक्टर बिल्कुल एक्सपोज करेंगे सो दैट इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दीज पीपल। देखिए हम एक छोटी सी बात कहेंगे कि आपके दर्शकों को हम बता दें कि इनकी छवि जो इस गंदी मानसिकता की औरत की वजह से और इस ऐसे पुलिस वालों की वजह से जो इनकी छवि खराब हुई है, हम आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि ये आदमी बिल्कुल उस नेचर के नहीं है। अगर उस नेचर के होते आज मूवमेंट कल की और गौ रक्षा समिति आज इनके साथ खड़ी नहीं होती। प्लीज़ आपके चैनल के व्यूअर्स से भी और इनके जो इनको जानने वाले हैं, चाहे वो इनके परिवार पक्ष से हैं या ससुराल पक्ष से हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। ये इस नेचर के बिल्कुल भी आदमी नहीं है। इनकी छवि को अगर किसी प्रकार की भी अगर कोई धूमिल करने का प्रयास करे तो वो उसके लिए जो है उसके लिए जवाबदेही जो है थ्रू कोर्ट वो है वो तैयार रहे। धन्यवाद। क्या लगता है ऐसे केस और भी होंगे जो सामने नहीं आएंगे? देखिए ऐसे देखिए एक लेडी जो इतनी आधी रात को घूम रही है और एक आदमी को लिफ्ट देखने के बाद कहती है 2 मिनट रुको मैं अभी तुम्हें बताती हूँ, और 2 मिनट के मेरे को लगता है 30 सेकंड उसमें शेष थे 2 मिनट में और उससे पहले पुलिस पहुंच जाती है और इतनी लाठियां भांजी गई है मैं आपको क्या बताऊं इनके हाथों पे और यहाँ पे इतने लाठ के निशान है अभी कपड़े खोल के नहीं दिखा सकते। कल सुबह हम हो सकता है एसएसपी साहब अगर बोले तो हम इनके एमएलसी भी करवा लेंगे। तो बाकी आगे का जो भी है इन फ्यूचर आप भी जब घर से निकलें तो प्लीज़ ऐसी भ्रष्ट मानसिकता वाली जो औरतें हैं उनसे सावधान रहें, खासकर और ऐसे पुलिस वाले जब भी आपको कभी हो एसएसपी साहब का नंबर और जो भी कंसर्निंग एरिया का नंबर है अभी आपके दर्शकों को मैं लगता है आप उस पर चला देंगे क्योंकि एसएसपी साहब जिंदा हमने उनके बारे में सुना है कि वो ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों को जो कहते हैं गंदी मधुमक्खियों को अपने इस पूरे जो है ना जो शहर को जो मीठे शहद का वो देना चाहते हैं उनको शहद में से वो उठा के बाहर फेंकेंगे। धन्यवाद। अंत में क्या कहेंगे? मुझे यही उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथ इंसाफ करेगी जरूर। और वो लोग सस्पेंड होंगे?
शायद हो सकता है कल पता चलेगा। नहीं होंगे होंगे अवश्य होंगे अवश्य बिल्कुल हमें पूरा भरोसा है एसएसपी साहब पे अवश्य होंगे। जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे काफ़ी मानसिक भी प्रताड़ित हुए हैं ये, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब किसी भी ये, और ये जो इनका ग्रोह है ये सुनने में ये आया कि दो चार लेडीज़ कोई और भी हैं जो इन्होंने धंधा बना रखा हुआ है, और ये ऐसे कुछ जयचंदों के साथ मिलकर, हम इनको जयचंद ही कहेंगे जो पुलिस के जो ऐसे बंदे हैं, तो पुलिस देखो हमारी सेफ्टी के लिए है ना कि हमें ये परेशान करने के लिए, इसलिए आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो और एक ऐसा मैसेज पब्लिक को आए कि सब पब्लिक के अंदर जो डर है, जो एक पुलिस को लेकर डर है, वो डर ख़त्म किया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और वैसे भी हर किसी साइड पे यहाँ भी खासकर ये जो बस स्टैंड घूमट एरिया है यहाँ पे रात को बसें 1-1.30 बजे 2 बजे तक जाती हैं, कई फैमिली ऐसी होती हैं कोई लेडीज बच्चे साथ में हैं तो किसी की लूटपाट के बड़े काम हो रहे हैं, तो ऐसे काम जो है इन पर पूरा पुलिस प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। खासकर हमने एसएसपी साहब के लिए बड़ा सुना है, काफ़ी हॉनेस्ट हैं, तो कल चलो हम मिलेंगे भी उनसे, लेकिन उनके वहाँ तक भी ये बात पहुँचनी चाहिए अगर वो सुन रहे हैं तो, ये इसके ऊपर संज्ञान दें। सर आप नवाबाद थाने आए थे, नवाबाद पुलिस का जी एक्चुअली इनके एरिया में था तो उसके कारण थोड़ा ये हमें काफ़ी अच्छा कॉपरेट कर रहे हैं, SHO साहब बहुत अच्छे हैं और बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसी कोई देखने वाली बात नहीं है। बीच में देखो कोई ना कोई जयचंद होता ही है, ये सिविल में मिलेगा आपको पुलिस में मिलेगा, तो ऐसे जयचंदों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके साथ ये ऐसा काम किया वो पुलिस वाले कहाँ पे पहुँचे? हरी मार ये वो दूसरी साइड एरिया पड़ता है यहाँ पे, ये विवेकानंद चौक है वो वाला ऊपर वाला शायद केसी रेजिडेंसी वाला एरिया है। नहीं नहीं हरी 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 पुलिस चौक ही है, पोस्ट रियाडी नहीं पुलिस पोस्ट जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, ये पुलिस पोस्ट हरी मार्केट ना जुडिशियल इसी पुलिस स्टेशन किया, लेकिन काम किया नहीं नहीं वो हरी मार्केट पुलिस स्टेशन में चला था पुलिस पोस्ट में। देखिए हम एक चीज आपको बता दें, तो ये है कि जब इनको उठा के लेकर गए हैं ये जबरदस्ती फोर्सिबली, तो इनको पुलिस के ही शेड में जो ऊपर चौक में है जहाँ पर ये वहाँ पर लेकर गए हैं, और इनको काफी देर वहाँ पर बिठा के रखा गया। देखिए तो इनकी फुटेज भी चेक की जा सकती है, इनके पास पूरी वीडियो। इसमें एक छोटी सी बात बोलेंगे कि हम इनको सस्पेंड की अब इसलिए बात कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी SP हो तो उनके ये पुलिस डिपार्टमेंट का ही काम है, उन पर क्या करें, हम तो कहते हैं डिस अटेम्प्ट फ्रॉम द जॉब, उनको नौकरी से निकाल दो, बट ये पुलिस महकमे का अपनी कोई उनकी नियमावली है उसके तहत ही जो भी कार्रवाई होगी। पर मैं फिर दोबारा कहूँगा कि इनकी पर्सनल छवि को है वो धूमिल करने का प्रयास बिल्कुल ना किया जाए, ये छवि के बिल्कुल भी इंसान नहीं है। धन्यवाद।